हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं हमारे टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन रियलमी C2 का इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। ये दोनों के दोनों फोन जो है वो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली सेगमेंट में है, और आप जो है अगर कोई बजट फ्रेंडली फोन लेना चाहते हैं तो ये दोनों अब तक बेस्ट है, बहुत ही ऑसम स्पेक्स है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। तो स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करूं अगर कंपैरिजन की, तो हमेशा की तरह मैंने 5 फोन से कंपैरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, और जो अदर स्पेसिफिकेशन है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बता दूंगा। सबसे पहले बात करूं अगर दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है एज स्पेक्ट, क्योंकि ये प्राइसिंग ऐसी है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। लेकिन देखने में दोनों फोन बहुत ही ऑसम लगते हैं। मतलब इससे पहले जो इस प्राइसिंग के फोन आते थे वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको Realme C2 में डायमंड कटिंग लुक मिलता है, जो कि Oppo के पुराने सेट में आपने देखा होगा। देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और डिजाइन जो है वो न्यू लगता है। मैं बात करूं अगर Infinix की, तो वहां पर आपको ग्लॉसी लुक मिलता है, देखने में ग्लॉस लगता है लेकिन है प्लास्टिक, लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन है वो कहीं से नहीं लगेगा आपने इतना सस्ता फोन हाथ में लिया हुआ है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोनों की, लेकिन दोनों प्लास्टिक है तो कवर लाजमी लगा के रखें। अब मैं बात करूं अगर दोनों के स्क्रीन की, तो Realme C2 में आपको 6.1 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। 720 पिक्सल का डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है। इस प्राइसिंग में ये बेस्ट डिस्प्ले है जो आप जो है मार्केट से ले सकते हैं। देखने में काफी अच्छा है, कलर्स काफी अच्छे हैं, और IPS LCD पैनल है तो आपको व्यू एंगल कोई मसला नहीं करेगा। इससे पहले जो हम इस प्राइसिंग में फोन लेते थे उसमें जो है वो स्क्रीन भी सही से नहीं होती थी, तो देखने में और काफी अच्छी स्क्रीन है। अब मैं बात करूंगा Infinix की, तो Infinix स्मार्ट 3 प्लस में आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, यहां पर भी IPS LCD पैनल है, यहां पर भी आपको HD प्लस की स्क्रीन मिलती है, और यहां पर जो है यहां पर भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, और दोनों के दोनों जो है वो बेजल्स हैं, काफी छोटे हैं नीचे की तरफ, तो ओवरऑल जो लुकिंग फील है स्क्रीन का बहुत अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी स्क्रीन दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। आप कोई सा फोन लेंगे, कोई सा भी फोन लें, आपको जो व्यू एक्सपीरियंस है, यूज करने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा कहीं से नहीं लगेगा आपने इतना सस्ता फोन हाथ में लिया हुआ है। अब मैं बात करूंगा दोनों की परफॉर्मेंस की, तो यहां पर एक ऐसी चीज है कि दोनों में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले बात करूं अगर Infinix की, तो वहां पर आपको MediaTek का Helio A22 का प्रोसेसर मिलता है। ये वही प्रोसेसर है जो Redmi 6A में आपको मिला था Xiaomi की तरफ से। ये जो प्रोसेसर है वो आप किसी डे टू डे यूजर्स में कोई मसला नहीं करेगा, कोई भी गेम आप खेल सकते हो इसके अंदर, पबजी वगैरह आप लो सेटिंग पे खेल सकते हो, वहां पर हल्का फुल्का जो है वो मसला आ सकता है खेलने में, लेकिन इन दी एंड जो प्रोसेसर है वो डे टू डे यूजर में आपको मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गेमर हो तो जाहिर सी बात है ये फोन आपके लिए नहीं है, यहाँ पर आप गेमिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते इससे, लेकिन काम चलाओ कर सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि गेम शुरू होते ही मोबाइल हैंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम आपके सारे चलेंगे, आपका पबजी भी चलेगा, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, वो मजा नहीं आएगा खेलने में। लेकिन अदर हैंड में बात करूं अगर Realme C2 की, तो वहां पर आपको MediaTek का Helio P22 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इससे काफी ज्यादा अच्छा है Infinix से, और यहां पर आप कोई भी गेम खेल सकते हो, यहां पर आप पबजी भी लो सेटिंग पे खेल सकते हो, पबजी रुकेगा नहीं लो सेटिंग पे, और डे टू डे यूजर में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा, और आपका जो मोबाइल है वो बहुत स्मूथ चलेगा इस प्राइसिंग के हवाले से। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, नहीं, लेकिन Infinix स्मार्ट 3 प्लस से काफी ज्यादा अच्छा चलेगा यहां पर, और दोनों का GPU सेम है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स क्वालिटी दोनों दोनों में सेम रहेगी। अब मैं बात करूं अगर दोनों के कैमरा की, तो यहां पर भी काफी कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूं अगर Realme C2 की, तो वहां पर बैक पे आपको 13+2 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो कि आपकी जो है डे लाइट में पिक्चर्स ठीक ठाक ले लेगा, लो लाइट में जो है वो आके जो है ये बस पिक्चर इतनी खास नहीं ले पाएगा जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो इस प्राइसिंग से, लेकिन इन दी एंड कैमरा अच्छा है, बुरा नहीं है। डे लाइट जो कैमरा जो आप पिक्चर्स लोगे वो काफी ज्यादा अच्छी निकल के आएंगी, और ऐसा कहीं से नहीं लगेगा डे लाइट पिक्चर में कि यार आपने इतना सस्ता फोन लिया हुआ है, आपको बहुत अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन लो लाइट में जो है ये आकर इतना अच्छा नहीं रहेगा, लो लाइट की जो फोटोग्राफी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन अगर बात करूं Infinix स्मार्ट 3 प्लस की, तो वहां पर बैक पे 3 कैमरे मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे हैं यार ये 3 कैमरे जो हैं ये तीनों के तीनों काम करेंगे और
बहुत आला पिक्चर्स क्वालिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये तीन कैमरे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए लगाए गए हैं। पहला कैमरा को 13 मेगापिक्सल मिलता है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, तीसरा कैमरा वीची है। और जो दूसरा कैमरा है वो कहते हैं कि भाई वो है नाइट मोड, उसके अंदर जो है आप नाइट मोड जो नाइट में जो पिक्चर है वो अच्छी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो नाइट मोड इनका है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, असल में जो दूसरे कैमरे का काम है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है। और जो तीसरा कैमरा वो डेप्थ सेंसिंग के लिए है, वीजीए कैमरा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये दोनों कैमरे जो है बेकार है, सिर्फ मेन कैमरा जो है वो अच्छा है 13 मेगापिक्सल का। यहां पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, लो लाइट में ठीक ठाक इमेजेस हैं, रियलमी C2 से थोड़ी अच्छी हैं लेकिन ठीक ठाक हैं। इंडियन अगर मैं बात करूं दोनों के रियल कैमरा जो है तकरीबन सेम है, आप कोई भी फोन लें। हाँ अगर आप चाहते हैं कि तीन कैमरा वाला फोन आपके हाथ में हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ तीन कैमरे यूजलेस है, मतलब सिर्फ दिखाने के शो कराने के, खैर इस प्राइसिंग में तीन कैमरे देना ये बड़ी बात है, तो ये इन्फिनिक्स ने अच्छा किया, लेकिन कुछ काम होता तो ज्यादा बेहतर था। अब मैं बात करूं दोनों के फ्रंट कैमरे की, तो रियलमी C2 में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है F2.2 अपर्चर के साथ। यहां पर आपको लो लाइट में जो है वो सेल्फी ठीक ठाक आ जाएगी और डे लाइट में तो आएगी ही अच्छी, तो एक एवरेज सेल्फी है रियलमी C2 में। लेकिन अगर आपको थोड़ी बेहतर सेल्फी चाहिए तो आप इन्फिनिक्स में जा सकते हैं, इन्फिनिक्स में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और इन्फिनिक्स जो कैमरा होता है वो काफी एक्यूरेट कलर दिखाता है, मैं इन्फिनिक्स के जितने भी सेट यूज किए हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा इन्फिनिक्स आपको जो है काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो रियलमी C2 आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस आपके लिए बेस्ट है। अब मैं बात करूंगा दोनों की बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी है रियलमी C2 में, 2 amps का चार्ज है, आप इसको जो है चार्ज कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर जो है आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, तो 2 दिन या 2 से ज्यादा दिन का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा है, पावर कंजम्पशन नहीं है ज्यादा, बैटरी ऑप्टिमाइज है, और यहाँ पर आपको जो है 720 मिलता है। और मैं बात करूँ अगर इन्फिनिक्स की, तो आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जो साथ में चार्जर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पेयर का है, तो बैटरी चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार चार्ज हो जाएगी तो 1.5 डे या 2 डेज यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करूं अगर एक्स्ट्रा फीचर की, तो दोनों में आपको ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड मिलता है, दोनों के दोनों फुल HD पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों में किसी किस्म का इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, वो जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्फिनिक्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि रियलमी C2 में आपको सिर्फ फेस अनलॉक से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन इन्फिनिक्स आपको फेस अनलॉक भी देता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देता है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा इन दोनों में से फोन, ये आपके ऊपर है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हैं तो रियलमी C2 इस प्राइस में किल कर रहा है, मतलब हीलियो P22 इस प्राइस में बेस्ट है। लेकिन अगर आप कैमरा अच्छा चाहते हैं, सेल्फी अच्छी लेना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर चाहते हैं, और ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस फोन चाहते हैं, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस भी आप देख सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट कंपैरिजन दोनों फोन्स का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।